भगवत गीता के उपदेश सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, जिसे हम गीता सार भी कहते हैं। आज 5000 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने पैदा क्या किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर के आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया और जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन तो संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। नया शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा वो तो स्थिर है। फिर तुम क्या हो, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा।